हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल चिकन तहरी की रेसिपी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन तहरी। चिकन तहरी जो ऑल ओवर इंडिया में खाया जाता है, उन सब के लिए ये सब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है। ये सब मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। चावल हमारा 700 ग्राम, चिकन 700 ग्राम, कुछ मसाले हैं, ये है ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, ज़ीरा पाउडर हाफ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 2 पिंच काली मिर्च और नमक हसबे जायका, और इसके लिए अदरक लहसुन है पेस्ट, यहाँ पर अदरक लहसुन का ये होममेड है, घर में बना हुआ है। 2 पीस मीडियम साइज़ प्याज हमने पिसा है, कुछ दही देंगे, ये प्याज इसका ब्राउन ऑनियन के लिए, घी भी कुछ यूज़ करना करेंगे, ये अनियंस को घी हमें कुछ यूज़ करना है, टमाटर हरी मिर्च आलू धनिया पत्ता और ये ग्रीन पीस है, छह मटर, ये सीजनल में अभी आए हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चावल का पानी चढ़ा दी हूँ, इसलिए इसमें बॉयल पानी दिया जाता है। और सबसे पहले हमारा काम है चिकन को घी में फ्राई करना, इसके बगैर हम चिकन नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ घी में चिकन फ्राई करूँगी, जिससे स्मेल चिकन का जाएगा और अच्छा रहेगा, वो घी का स्मेल आ जाएगा। ये हमारा 700 ग्राम चिकन हम इसमें फ्राई कर लेंगे। हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दे रही हूँ, बाद में भी ऐड करना है इसलिए थोड़ा सा भी ऐड करें और इसे थोड़ा फ्राई कर लेना है चिकन को। इससे क्या होता है, इसका स्मेल चला जाता है, चिकन अच्छे से सूंधा हो जाता है ना, इसका पानी सूख जाता है चिकन का। हाँ, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर करें। अब ये चिकन फ्राई हो चुका है, इसे मैं सब निकाल दूँगी। तो ये चिकन को निकाल लिया है हमने, अब इसी सेम पॉट में, इसी सेम कढ़ाई में आपको ऐड करना है ऑयल। ये रिफाइन ऑयल है, ये कम से कम 100 ग्राम अंदाज से दे देना है। हाँ, और ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। ये हमारा ये एक बड़े साइज का प्याज है, इसे हमने स्लाइस कर लिया है, तो इसको फ्राई करके ब्राउन अनियन बना लेना है। अब ये प्याज फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे मैं चावल में ऊपर से धो ली। अब ये हम प्याज, यहाँ तो यहाँ पे प्याज को फ्राई करके हमने निकाल लिया है, अब यहाँ पे इसी ऑयल में डाल देना है ये फ्राई, ये जो फ्राई किए हुए चिकन है उसको वापस से डाल देना है तेल में। तो यहाँ पे फिर से आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, अदरक लहसुन का 2 चम्मच ये है। हाँ, पहले भी हमने इसमें ऐड किया था, वो तो चिकन को फ्राई करने के लिए ऐड किया था, अब ये इसकी ग्रेवी बनती है। इतने मसाले मैं बता चुकी हूँ, ये मसाले सब दे रही हूँ, ये सब मसाले इसमें ऐड कर दीजिए। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच गरम मसाला देना है। हाँ, गरम मसाला ऐड कर दीजिए 1 चम्मच। यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम दही यूज़ करना है, तो दही हमने ऐड कर दिया 50 ग्राम। ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से फ्राई करके, थोड़ा पानी देके इसे पकाना है चिकन को। तो अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सा चिकन मसाला, ये है चिकन मसाला। मैं वैसे सब मसाला दे चुकी हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन दे देने से और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं चिकन मसाला, ये कोई भी ग्रॉसरी। ये मसाले मिक्स करने से खुशबू अच्छी आएगी, इसकी स्मेल अच्छा रहेगा। इसे भून लेना है, थोड़ा देर तक मैं दिखाऊँ कितना पानी देना है। इतना अच्छा इसका कलर लग रहा है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई ग्रेवी में इसे जल जाता तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं इसमें पानी दे देती हूँ, तो इसकी खुशबू एकदम बाहर जैसे जैसे होटलों में मिलती है चिकन वैसी आ रही है। आप लोग इस मेथड से चिकन की ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग तो तहरी बना रहे हैं, अब चिकन को थोड़ा पका लेना है, इसे ढक कर 15 मिनट तक पकने देते हैं। अभी हाँ, इसका फ्लेम फुल है, लेकिन जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो लो कर देना। तो अब इसमें प्याज की पेस्ट ऐड कर देना है, इसे दे के खूब भून लेना है फिर। हाँ, इसे आप पहले भी दे सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, पहले भी दे सकते हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग में हम लोग मसाला भून रहे थे उस टाइम आप ऐड कर सकते हैं। जब ये पानी सूख जाएगा तो इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज के स्मेल उसमें चला जाए। हाँ, फिर हमें यहाँ पर ऑयल लेना है,
तो यहाँ पे हमने बड़ी वाली हांडी ली है, बिग पॉट लेना है, और इसमें अब आपको पकाना है चावल। तो सबसे पहले इसमें तेल थोड़ा सा ऐड करना है। यहाँ पे चिकन अच्छे से पक रहा है अभी, जब तक पहले में कुछ बिरयानी के पुलाव के मसाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लिया है चक्रफूल यानी बादियान के फूल, ये हरी इलायची है 4 पीस, दालचीनी है कुछ, लौंग है थोड़ा बहुत, और शहजीरा है, वाइट वाला पेपर है सर, इसमें मैं दे देती हूँ। यहाँ पे आलू को कट करके रखते जाएंगे, दे देती हूँ। ये आलू 1/2 kg है, इसे मैं थोड़ा फ्राई करूँगी, फिर भी चावल दूँगी। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं ऐड करना है तो। और यहाँ पे टमेटो कुछ कट कर लेना है फ्रेश, ये भी ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं चावल दे देती हूँ। तो ये चावल को सोफ करके रखा था हमने पानी में, और ये बासमती राइस हमने यूज़ किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग छोटे दाने वाले भी यूज़ करते हैं, इससे भी अच्छा होता है। आप अपने जो भी आपको पसंद है आप चावल ऐड कर सकते हैं। तो ये 7 चावल है, 700 ग्राम गोश्त है, चिकन 1/2 kg आलू है। जब तक ये यहाँ पर तैयार हो रहा है, फिर इसी में हमें वो ये चिकन भी डालना है। इसी में जो चिकन की ग्रेवी है इसे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो अभी जब तक चावल और आलू को पका लेते हैं, और यहाँ पे देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे से पक रहा है। अब इसे हमें ऐड कर देना है चावल और आलू के साथ मिक्स कर देना है इसे। इसके लिए बॉयल पानी रखे हैं ना, वही पानी मैं यूज़ करूँगी। हाँ देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। पक चुका है, इसे थोड़ा और हम भून लेते हैं। चावल हमें इसमें थोड़ा ही भूनना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चलाने से चावल टूट जाएंगे सारे, इसलिए कम भूनना है। और ये चिकन को ग्रेवी को इसमें ऐड कर देते हैं, सबको इसमें ऐड कर देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे टमाटर में दे देती हूँ। यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटो को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसमें डालना है ये है मटर, सारे दे देती हूँ। ग्रीन पीस इसमें ऐड कर देना है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ टेस्ट, तो आप लोग भी ज़रूर ऐड करें अगर अवेलेबल है तो, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं। देखो ये गाढ़े में ही बनाना चाहिए, इसलिए कि नया आलू भी रहता है इस वक्त। हाँ और अच्छा लगता है इसका टेस्ट ठंडे में। ये मिर्च है, इसे हमने काटा नहीं है, बीच से बहुत ढाल हो जाएगा। अब मैं इसमें पानी दूंगी, सब मिक्स करके पानी देना है। तो ये हमने पानी को अच्छे से बॉईल करके रख दिया था, अंदाज से देना है। हाँ ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है, इसे चावल से थोड़ा ऊपर पानी रखना है। हाँ चावल है जितना उसके ऊपर रखना है पानी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नमक भी ऐड करना है, इसलिए इतने सारे पानी गए हैं, नमक भी देना है। आप अपने टेस्ट करके अकॉर्डिंग से आप ऐड कर सकते हैं नमक। तो ये हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए नमक। आप इसकी पानी को चेक कर सकते हैं कितना ये नमक इसमें है। तो सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है, और जो ब्राउन अनियन है वो बाद में ऐड होगा लास्ट में, फुल धनिया पत्ते भी। हाँ और ये पानी को चेक कर लेते हैं, अगर कम पड़ा तो और नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा कम मैं चावल में दे दी, अगर कम पड़े तो और ऐड कर दीजिए इसी टाइम, क्योंकि फिर बाद में जब ये पक जाएगा तो आप ऐड नहीं कर सकते। अब इसे ढक के पका देना, इसे कवर करके। अभी मैं इसे हाई फ्लेम में रख रही हूँ, जब ये बॉयल होने लगेगा तो एकदम लो कर देना। अब मैं चेक करती हूँ, उस वक्त मैं इसे दम में छोड़ दी थी। हाँ तो ये अभी लो फ्लेम में था, एंड नाउ इसे हम लोग मिक्स करके चेक कर लेते हैं चावल गल चुका है या नहीं। अभी ये पक चुका है, लेकिन थोड़ा इसमें पानी है, और थोड़ा चावल इसमें पकेगा ना तो अच्छा से एकदम बैठ जाएगा चावल। थोड़ा पानी में सुखा लेती हूँ उसे। तो ये देखिए थोड़ा सा बाकी है पकना, हाँ। मतलब ये पानी सूख जाएगा। हाँ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। थोड़ा और 5 मिनट ढक के पका लेती हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे गाइस बन के रेडी हो गया है, इसे हमने थोड़ी देर के लिए दम करने के लिए छोड़ दिया था, एंड ये पक के रेडी हो चुका है। इसमें धनिया पत्ता दे देती हूँ, धनिया के पत्ते इसमें लास्ट में ज़रूर ऐड करें, काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ तहरी के साथ। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चिकन तहरी की। ये जो
ये जो फ्राइड अनियंस है इसमें ऐड कर देना है लास्ट में, मिक्स कर देना। सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने अच्छे से। अब निकालते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डिलीशियस लगता है। तो अब हम लोग इसे खाते हैं। ये डिनर रेसिपी है, डिनर में आप लोग बना के खाएं या लंच पे भी खा सकते हैं, आप लोग को जब मन करें आप लोग खाएं। एंड काफ़ी टेस्टी एंड डिलीशियस बनता है ये रेसिपी। सो लेट्स सर्व दिस। गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है एंड स्पेशली विंटर के मौसम में। सो गाइस, यहाँ पे हमने सर्व कर लिया है चिकन तहरी एंड काफ़ी टेस्टी एंड टेम्पटिंग है। इसके साथ सर्व किया है हमने कुछ सैलेड। सैलेड के साथ ये जो मूली है ये न्यू सीजनल है, अभी विंटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके साथ आप लोग खाएं, काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत डिलीशियस रेसिपी है एंड आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस चिकन तहरी की रेसिपी को। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स वेरी वेरी टेम्पटिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगा विंटर में, स्पेशली आप लोग बनाएं और सबके साथ शेयर करें। जो लोग तहरी लवर है या जिनको ये रेसिपी पसंद आएगा उनको शेयर करें ताकि वो भी बनाएं। और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को ताकि मैं और भी अच्छी रेसिपीज़ आप तक शेयर करूँ। और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँगी टाइम से आपको मिल जाएगा। सो इसी तरीके से हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छी रेसिपीज़ आप तक शेयर करेंगे इंशाल्लाह सून। सो स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ एंड टेक केयर। सो गाइस, अभी इसे हम लोग कट करके दिखाते हैं आपको। इतना टेंडर है ये चिकन, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टूट गया। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसे खाएं, काफ़ी टेम्प्टिंग है ये रेसिपी एंड सबके साथ शेयर करें।